वेलकम टू डियर टेक्निकल ज्ञान। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है कंप्लीट गाइडलाइन के ऊपर, जो है ICH गाइडलाइन। तो ICH गाइडलाइन के ऊपर आप लोग सब जानते ही होंगे कि दिस इज ऑन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन। उसका आज हम लोग क्वालिटी गाइडलाइन के ऊपर थोड़ा ब्रीफली डिस्कशन करते हैं। क्वालिटी गाइडलाइन जो काफी इम्पोर्टेंट है, उसमें बहुत सारा क्लॉज है। क्या क्या है वो जानने से पहले क्वालिटी गाइडलाइन होता क्या है वो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। क्वालिटी गाइडलाइंस, हार्मोनाइजेशन अचीवमेंट्स इन द क्वालिटी एरिया इंक्लूड पिवोटल माइलस्टोन्स सच एज द कॉन्डक्ट of stability studies, defining relevant thresholds of impurity testings, and a more flexible approach to pharmaceutical quality based on good manufacturing practice risk management। तो मतलब क्या है कि हार्मोनाइजेशन अगर क्वालिटी में लाना है तो कुछ हम लोगों को माइलस्टोन अचीव करना जरूरी है। जैसे हम लोगों को कुछ चीजें हार्मोनाइज करना पड़ेगा, जो स्टेबिलिटी स्टडीज है, तो भी हम लोगों को इम्प्यूरिटी टेस्टिंग्स है, और हम लोगों को फार्माकोपियल क्वालिटी बेस्ड जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफाइन किया गया है उसमें जो भी फ्लेक्सिबिलिटीज दिया हुआ है उस फ्लेक्सिबिलिटीज के अंदर ही हम लोगों को काम करना है। उसका बियॉन्ड हम लोग नहीं जा सकते। हम लोगों को क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटीज है वो जानने के लिए ICH का गाइडलाइन जानना जरूरी है। ICH का गाइडलाइन में आप लोग देख पा रहे ऑन द डेस्कटॉप कि कुछ गाइडलाइन दिया हुआ है। तो आइए वन बाय वन जानते हैं कि गाइडलाइंस आखिर में होता क्या है। सबसे पहले जो है Q1A, Q1A स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी। सबसे पहले उन्होंने बोला है स्टेबिलिटी स्टडीज को हार्मोनाइज करना जरूरी है, तो इसलिए सबसे पहले स्टेबिलिटी आए है। उसमें बहुत सारा क्लॉज है। Q1A R2 it is stand for stability testing of new drug substance and its products. Q1B stands for stability testing of photostability testing of new drug substance and its products. Q1C stability testings of new dosage forms. Q1D bracketing and matrixing designs for stability testings of new drug substance and its products. Q1E evaluations of stability data. Q1F stability data package for registration applications in climatic zone 3 and climatic zone 4. So ye tha complete stability studies ke upar Q1A ka jo sub parts tha. Abhi aage dekhte hain Q2 में क्या है। Q2 बहुत इंपॉर्टेंट है। Q2 अपना एनालिटिकल वैलिडेशंस, जितना भी हम लोगों को एनालिटिकल प्रोसीड्योर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में फॉलो होता है उसका वैलिडेशंस का गाइडलाइन है ये। Q2 में है Q2R1 वैलिडेशंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीड्योर, उसका टेक्स्ट और उसका मेथोडोलॉजी, उसमें आपका क्या क्या मेथोडोलॉजी आपको फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, कैसे आपको वैलिडेशन एनालिटिकल प्रोसेस को वैलिडेट करना है, उसका डिटेल दिया हुआ है। Q1R2 Q14EWG उसमें है कि एनालिटिकल प्रोसीड्योर डेवलपमेंट, उसका एक रिवीजन हुआ है। Q2R1 उसमें एनालिटिकल से वैलिडेशन का जो रिवीजन है वो इंक्लूड किया गया है। Q3A ए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वालिटी गाइडलाइन में। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट एम्फोसाइज किया गया था वो है इम्प्यूरिटी स्टडीज, इम्प्यूरिटी टेस्टिंग। तो डेफिनेटली Q3 में इम्प्यूरिटीज के ऊपर ही बात किए जाएंगे। तो Q3A में सबसे पहले आता है Q3A R2 इम्प्यूरिटीज इन न्यू ड्रग सब्सटेंस। Q3B R2 Q3A में न्यू ड्रग सब्सटेंस बोला है, Q3B में बोलता है न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स।
impurities in new drug products. U3C जो है maintenance of guideline for residual solvent. जितना भी हम लोगों का residual solvent का allowable limit है उसको कैसे हम लोग maintain कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है कि उसी सी में है मेंटेनेंस ऑफ ईडब्ल्यूजी मेंटेनेंस ऑफ गाइडेंस फॉर रेसिडुअल सॉल्वेंट्स Q3D R1 गाइडलाइन फॉर एलिमेंटल इंप्यूरिटीज Q3D R2 रिवीजन ऑफ Q3D R1 क्यूटेनियस एंड ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट्स Q3D testing. इसमें क्या है implementation of the guideline for elemental impurities Q3E informal WG. This is implied for assessment and control of extractable and leachable for pharmaceuticals and biologics. इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें असेसमेंट कंट्रोल किसके बारे में बोलता है कि एक्सट्रैक्टेबल और लीचेबल जो भी एक्सट्रैक्ट और लीच ओके जो भी फार्मास्यूटिकल और बायोलॉजिक्स में एक्सट्रैक्टेबल और लीचेबल प्रोडक्ट है उसमें कितना इंप्यूरिटीज होना चाहिए उसके बारे में डिटेल्स इसमें इस गाइडलाइन में दिया हुआ है. अभी आगे जानेंगे Q4 के बारे में. Q4A जो है वो है फार्माकोपियल हार्मोनाइजेशन. Q4B, evaluations and recommendations of the pharmacopoeial text for use in the ICH regions. Q4B Annex 1, recites residue on ignitions on sulfated as general chapter. Q4B Annex 2 R1, text for the extractable volume of pharmaceutical preparations general chapter. Q4B Annex 3 text for particulate contaminations subvisible particulate general chapter. Q4B Annex 4A microbiological examinations of non-sterile products microbial enumeration test uska general chapter isme diya hua hai. Q4B Annex 4B microbiological examination of non-sterile product uska jo test of specified microorganisms uska general chapter isme include kiya gaya hai. Pehle wala mein tha enumeration test ka general chapter isme diya hua hai ki specified microorganisms ka identify karne ke liye jo bhi general chapter isme include kiya hai. Q4B annex 4C microbiological examination of non-sterile products acceptance criteria for the pharmaceutical preparations and substances for pharmaceutical use uska general chapter hai ye. Q4B annex 5 disintegration test general chapter hai isme disintegration test ke bare mein diya hua hai. Q4B annex 6 annex 6 mein jo hai uniformity of dosage units uska general chapter hai ye. Q4B annex 7 Annex 7 में डिजोल्यूशन टेस्ट के बारे में डिटेलिंग किया गया है उसका जनरल चैप्टर है डिजोल्यूशन टेस्ट. Q4B Annex 8 जो है दैट स्टैंड फॉर स्टेरिलिटी टेस्ट ये भी एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट उसका जनरल चैप्टर है. Q4B Annex 9 टैबलेट का फ्राइबिलिटी टेस्ट करने का उसका जनरल चैप्टर है. Q4B Annex 10 polyacrylamide gel electrophoresis उसका जनरल चैप्टर है. Q4B Annex 11 capillary electrophoresis का जनरल चैप्टर है. Q4B Annex 12 analytical sieving उसका जनरल चैप्टर है. Q4B Annex 13 इसमें है bulk density tap density of powder general powder का उसका जनरल चैप्टर है ये. Q4B Annex 14 जो है वो भी इम्पोर्टेंट है उसमें इंक्लूड किया गया है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट उसका जनरल चैप्टर है. उसके बाद लास्ट जो आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. तो ये था Q4B का
related details. अभी हम लोग जानेंगे Q5 में क्या है. Q5 में है Q5A, क्वालिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जमाने में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को रेगुलेट करना, उसको मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है. उसमें सबसे पहले आता है कि वायरल सेफ्टी इवैल्यूएशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम सेल लाइन ऑफ ह्यूमंस और एनिमल ऑरिजिन. जो भी ह्यूमन और एनिमल का सेल लाइन से जो भी वायरस को इवैल्यूएट किया जाता है उसका इवैल्यूएशन, उसका बायोटेक्नोलॉजी, उसके ऊपर टोटल कंप्लीट इवैल्यूएशन इसमें दिया गया है. Q5A पार्ट 2, इसमें दिया है वायरल सेफ्टी इवैल्यूएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेल लाइन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल ऑरिजिन. तो मोटा मोटी देखा जाए तो R1 और R2 ये दोनों पार्ट में वायरल सेफ्टी इवैल्यूएशन को कवर किया है. Q5B में है एनालिसिस ऑफ द expressions conducted of cell used in the productions of RDNA derived protein products. जितना भी हम लोगों का RDNA से derived protein products है उसके बारे में यहाँ पे details दिया गया है. Q5C जो है quality of biotechnological products. Biotechnological product का quality कैसे निर्धारण किया जाएगा, कैसे उसको derive करना है, कैसे उसको maintain करना है, उसमें आता है उसका स्टेबिलिटी टेस्टिंग और बायोटेक्नोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. उसका स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बारे में यहाँ पे Q5C में दिया गया है. Q5D में है डेरिवेशंस एंड कैरेक्टराइजेशंस ऑफ सेल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. उसमें क्या बोलता है कि डेरिवेशंस और कैरेक्टराइजेशंस ऑफ सेल सब्सटेंसेस, सेल सब्सटेंस जो भी रहेगा वो सेल्स का कहां से डिराइव करना है और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन रखना है उसके बारे में बोला गया है. Q5E में लास्ट में आता है कि कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू चेंज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. उसका कॉम्पेटेबिलिटी के बारे में बोला है कि उसका अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर चेंज हुआ तो उसमें क्या क्या कॉम्पेटेबिलिटी आपको रखना पड़ेगा. आगे जानते हैं Q6 के बारे में. Q6 जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो है स्पेसिफिकेशंस, टेस्ट प्रोसीड्योर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड न्यू ड्रग प्रोडक्ट्स. उसका मेनली केमिकल सब्सटेंस के बारे में ये बोलता है, बायोलॉजिकल के बारे में नहीं बोला है. बायोलॉजिकल के बारे में ऑलरेडी पहले बोल चुका है. उसमें Q5B में है स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीड्योर एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. अच्छा, Q6A में बोलता है केमिकल के बारे में, केमिकल सब्सटेंस. Q6B में बोलता है बायोलॉजिकल और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन, टेस्ट प्रोसीड्योर और उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में. अभी Q7 में जानेंगे. Q7 है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. इसमें है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स दैट इज API. जो भी API है उसका कैसे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस मेंटेन करना है. और Q7 QAs में है क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स. आगे जानते हैं Q8 के बारे में. Q8 है फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट. उसमें Q8 9 10 का QAs R14 है. उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन दैट इज Q8 Q9 एंड Q10 का इम्प्लीमेंटेशन बारे में भी लिखा गया है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. Q9 में है क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी कंट्रोल में या फिर क्वालिटी में या फिर प्रोडक्ट का भी क्वालिटी है या फिर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कैसे रिस्क को मैनेज किया जाएगा उसका कंप्लीट गाइडलाइन है. और Q8 Q9 Q10 के इम्प्लीमेंटेशन भी है. Q10 जो है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, टोटल कंप्लीट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी सिस्टम के बारे में ये बोलता है अपना Q10 में. Q11 है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस. इसमें आता है डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, केमिकल एंटिटीज एंड बायोटेक्नोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एंटिटीज.
उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर रिलेटेड टू सिलेक्शंस एंड जस्टिफिकेशंस ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग सब्सटेंस, ये भी आता है क्यू 11 में। क्यू 12 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसमें आता है कि टेक्निकल एंड रेगुलेटरी कंसीडरेशंस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। क्यू 13 है कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट्स। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज एनालिटिकल प्रोसीड्योर डेवलपमेंट। इसमें आता है एनालिटिकल प्रोसीड्योर डेवलपमेंट और उसका कुछ रिविजन है जो क्यू 2 में दिया गया था, दैट मीन्स एनालिटिकल वैलिडेशन का कुछ रिविजन इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये था अपना कंप्लीट ICH गाइडलाइन जिसमें टोटल 14 धाराएं हैं। तो आगे जो है ICH गाइडलाइन का नया अमेंडमेंट के बारे में जानेंगे। ये था कंप्लीट एक ओवरऑल आइडिया ऑफ ICH गाइडलाइन। वन बाय वन हम लोग इसका डिटेलिंग भी करते रहेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करिए, इसको शेयर करिए, मेरा चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करिए और प्लीज ऑलवेज बी सेफ, बी एंजॉय योर लाइफ विथ लाइवलीहुड और क्वालिटी को हमेशा साथ में लेके चलते रहिए। थैंक यू।